पूरे पंजाब दे विच हर पार्टी जिहड़ी है अपने उम्मीदवार ऐलानन लगी हुई है ते उम्मीदवार जिहड़ा है डायरैक्ट नहीं ऐलाना जा रहा, लेकिन किते ना किते हलका इंचार्ज बनाने की होड़ लगी हुई है ते हर उम्मीदवार चाहता है कि मैनू हलका इंचार्ज लाया जाए ता कि शहर दे विच एक मैसेज जाए कि टिकट जिहड़ी है आने वाले दिनों दे विच हलका इंचार्ज ते उसी उम्मीदवार नू मिलेगी। जिवें कि आपां नू पता ही है कि शहर राजपुरा दे विच उम्मीदवारां दी गिनती लगातार जिहड़ी है वध रही है। अकाली दल तो चरणजीत सिंह बराड़ नू हलका इंचार्ज बनाया गया, वो अपनी टिकट जिहड़ी है फाइनल दस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सरदार हरदयाल सिंह कंबोह ते जगदीश कुमार जग्गा दे विच जद्दोजहद दा सिलसिला जारी है टिकट नू लैके। बीजेपी की गल करिए बीजेपी दे विच इक्को ही उम्मीदवार सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जो पहला उम्मीदवार सीगे उही इस बार आशंका जताई जा रही है कि उही उम्मीदवार होणगे। आम आदमी पार्टी की जिहड़ी टिकट है वह किते ना किते नीना मित्तल मैडम के खाते च जांदी साफ नज़र आ रही है, क्योंकि एक दिन पहला आम आदमी पार्टी वालों लिस्ट जारी की जाती है कि हलका इंचार्ज जिहड़ा है मैडम नीना मित्तल नू बना दिता गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों कितना कितने ये भी कहा गया सी भी जिन्हों हलका इंचार्ज बनाया जाएगा उसी नू जिहड़ा है टिकट दे के उम्मीदवार ऐलाना जाएगा। आशुतोष जोशी जो कि पिछले दिनों दे विच उम्मीदवार बनाए गए सी उन्हां दा विरोध किया सीगा, अज मैनू ऐ महसूस हो रहा इस चीज़ में लोग जिहड़ी चर्चा हैगा बाजार दे विच गर्म है कि आशुतोष जोशी टिकट दे इंट्रस्टिड नहीं है लैण नू, लेकिन किते ना किते मैडम दियां जड़ां दे विच बैठन वास्ते आशुतोष जोशी जिहड़े हैं वापस आ चुके हैं ते हल्लाशेरी जिहड़ी है पूरी प्रवीण छाबड़ा जी नू दित्ती जा रही है। की कहना चाहिए मैडम, मीटिंग आशुतोष जोशी जिहड़ी हैं लगातार प्रवीण छाबड़े दियां करा रहे हैं, पिछले दिनों च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सरेआम उन्होंने कहा कि नीना मित्तल तो जिहड़े हावी उम्मीदवार हैं वड्डे उम्मीदवार हैं वह कितना कितने प्रवीण छाबड़ा है। मैडम तुहानू नहीं लगता कि सरेआम तुहाडी खिलाफत की जा रही है? वो उम्मीदवार रह चुके हैं एक बार, आशुतोष जोशी उम्मीदवार रह चुके हैं एक बार, उन्होंने भी पता है कि जे जो भी पॉलिसियां होती हैं आम आदमी पार्टी दी किसी भी पार्टी दी चंगी तरह इस चीज़ को समझते हैं, तो उन्होंने भी ये पता होना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी ने पिछले दिन ऐलान किया गया जो लिस्ट जारी होएगी हलका इंचार्ज की तो उन्होंने ही टिकट मिलेगी। जब उन्होंने पता है कि हलका इंचार्ज मैडम को बना दिया गया वह हूँ भी जड़िया लगातार प्रवीण छाबड़े के हक के मीटिंग करा रहे हैं तो कितने ना कितने आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सब तो वड्डी परेशानी जी आशुतोष जोशी खड़ा करेगा। थोड़े जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो, प्रवीण छाबड़ा अपने आप को आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कहता है, किते ना किते मंच के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस के कहना कि नीना मित्तल तो ज़्यादा जिहड़े हैं उम्मीदवार प्रवीण छाबड़ा ठीक है क्योंकि वह बरादरी के बंदे हैं, मतलब तुहानू नहीं लगता कि तुहाडी सरेआम खिलाफत की जा रही है आशुतोष जोशी वालों? किस तरह मैडम जे तुहाडी पार्टी के बंदे तुहाडी खिलाफत करनगे तो तुसीं दूसरे बंदे नू की मुकाबला दे सकदे हो आने वाले? गल जे करिए प्रवीण छाबड़े की, प्रवीण छाबड़ा जी किते ना किते सोच के आए हैं कि टिकट मिलेगी, कितने ना कितने कोई गलबात हुई होनी, उत्थे पैसे की भी काफ़ी चर्चा चली है प्रैस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा झूठ का पलंदा दसिया भी इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन प्रवीण छाबड़ा जी भी कितने ना कितने हुण भी लखां दीयां शर्तां लग रही हैं जो साडे सूत्र दस रहे हैं भी मैडम नू हलका इंचार्ज बनाया जब टिकट मैडम नू मिलेगी ना फिर देखांगे। कि तुहानू लगता है कि प्रवीण छाबड़ा जी भी तुहाडी आने वाले दिनों दे विच मदद करनगे जे तुहानू टिकट मिल गई तां? जिहड़े प्रवीण छाबड़ा दे नाल हुण भी जिहड़े बंदे मीटिंगां दे विच नज़र आ रहे हैं वह कितने ना कितने बीजेपी के किसानों वाले मुद्दे जब हुण पिछे जो होया उत्थे भी नज़र आए हैं, उही जॉइनिंग दे टाइम बंदे उत्थे मौजूद सी ते बीजेपी दे उत्थे भी मौजूद है। मैडम तुहानू नहीं लगता कि किते ना किते प्रवीण छाबड़ा जी किसी बीजेपी नाल अंदरूनी गठबंधन करके चल रहे हैं, जे उन्हां नू टिकट ना मिली तो दोबारा जिहड़ा है बीजेपी का रस्ता उन्हां वास्ते खुल्या रहे? मैडम पहले दिन तो जिस दिन तो प्रवीण छाबड़ा की ज्वाइनिंग हुई है ना उस दिन तो मैनू तो यह तो लोगों ड्रामा जहा ही लग रहा है भी प्रवीण छाबड़े ना उरे सिर्फ एक तरह का आम आदमी पार्टी से ना फसाण करके लेके आया भी तीजा विकल्प भी कितने ना कितने आ सकता है आने वाले दिनों के जो लोग गल कह रहे हैं भी प्रवीण छाबड़े को पहला मैडम तो सरोपा पवाता क्योंकि कितने ना कितने बरादरी की गल होंगी है उरे भी बरादरी के जो दो बंदे लड़नगे सीधा सीधा हरदयाल सिंह कंबोज में इस चीज़ का फायदा जाएगा भी पहला प्रवीण छाबड़े को लिया और प्रवीण छाबड़े को जिस तरह लिया गया तो पता ही है। देखो जिहड़ा तुसी कहने हो भी अरविंद जी नू आना चाहिंदा सीगा, मैनू नहीं लगता कि भी प्रवीण छाबड़ा जी कमेटी के प्रधान रहे ने साडे लई रिस्पेक्टेड ने, पर कि उन्हां दा एड्डा वड्डा रुतबा है कि उन्हां नू अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइन करवाण आंदे? तां ऐ लगता है भी प्रवीण छाबड़े नू जद ज्वाइन कराया गया ना मैडम
पार्टी चाहती नहीं सी भी प्रवीण छाबड़े को असी ज्वाइन कराइए कि उत्थे भी आशुतोष जोशी अड़िया आके भी प्रवीण छाबड़े को अपन ज्वाइन कराना चाहिए। मैडम इस कि सच्चाई लगता कि हलका इंचार्ज बनने तो बाद कई लोग इस टाइम बुरी तरह पखे हुए हैं, बुरी तरह सड़े हुए हैं थोड़ी पार्टी के, कई लोग तो पार्टी छड़न भी तैयार बैठे हैं। हूँ भी पैराशूट तो कोई बंदा लिया के उरे बनाया गया हलका इंचार्ज सूत्र बड़े जबरदस्त है। मैं तुम्हें पहला भी हलका इंचार्ज की पहला मुबारक दे चुका अब तो 10 दिन पहला, मैं हूँ भी तुम्हें दस रहा कि कई षडयंत्र रचे जा रहे आम आदमी पार्टी के। मैडम मैं ना मैं तुम्हें जब खबर शुरू की है ना मैं कई उम्मीदवार के नाम दसिया तुम्हें, सरदार हरजीत सिंह गरेवाल, चरणजीत सिंह बराड़ की टिकट लगभग मैं लगता फाइनल है, जिवें तुहाडी फाइनल लगती है मैं जिवें तुम्हें हलका इंचार्ज बनाया उन्होंने भी बनाता, तो हरदयाल सिंह कंबो तो जगदीश कुमार जग्गा के मुकाबला देखो हूँ किसू टिकट मिलती है। मैडम मुकाबला कि होगा तुहाडा? मैं तुहानू तीजा विकल्प की गल कर रहा सीगा आम आदमी पार्टी के भी तीजा विकल्प भी हो सकता है। मैं तीजा विकल्प जिहड़े लगते हैं ना जगदीश कुमार जग्गा लगता है, जो मेरे सूत्र दस रहे हैं भी प्रवीण छाबड़े तो साढ़े बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि प्रवीण छाबड़े तो जगदीश कुमार जग्गा चो एक बंदा लड़े। तुम्हें लगता कि जगदीश कुमार जग्गा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की इंतजार कर रहे टिकट की, जो उन्होंने ना आती तो उत्तर आम आदमी पार्टी के भी आ सकते हैं, तो तीजा विकल्प कित नहीं कि जगदीश कुमार जग्गा आम आदमी पार्टी टिकट दे प्रवीण छाबड़ा लड़ ही ना सके? एक बरादरी चाहती है, देखो तुम अग्रवाल सभा तो वह भी यही चाहते हो भी ऐतकी जी है ना साड़ी अग्रवाल सभा तो मैडम को टिकट मिल जाए ना तो स्वाद आ जाए, ठीक है ना। तो हरेक बंदा यह चाहता, मैं बरादरी का मसला नहीं चक रहा अपनी इंटरव्यू के ना मैं चकाँगा कभी, क्योंकि वोटों के नाल जितना ना कि बरादरी की वोटों के नाल जितना। मैडम मैं ये चाहना कि बरादरी जी बौलपुर बरादरी है ना वो ये चाहती है कि साड़ी बरादरी के बंदे टिकट मिले, वह भी आम आदमी पार्टी की टिकट मिले, कि इन्ने इंट्रस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी की टिकट जिन्होंने मिलेगी वह बंदा जिहड़ा है कि MLA बनेगा, देखो वही बंदा जिहड़ा हरदयाल सिंह कंबोज को हरा सकता है। की कहना चाहोगे? तुसी नहीं चाहोगे कि सारा शहर ही तुहाडे नाल लग जाए एक बार एक लहर चल जाए कि नीना मित्तल नूं ही जिताना है? जे उस वास्ते तुहानूं जगदीश कुमार जग्गे की भी लोड़ पैनी है, उस नाल शायद तुहानूं मेरी भी लोड़ पैनी है, शायद उस नाल तुहानूं किसी भी प्रेस रिपोर्टर की भी लोड़, तुसी भी चाहोगे कि सारा शहर मेरे नाल लगे, एक भी बंदा मेरे इह जिहा ना होवे जिहड़ा होर पार्टी नाल लगे, चाहे वह कांग्रेस दे चाहे वह जिहदे मर्जी है। की कहना चाहोगे? मैडम एक बार फिर मैं आशुतोष जोशी ते ही आवांगा कि आशुतोष जोशी नूं इह पता लग चुका है भी ऑस्ट्रेलिया तो आए थे, जे वो इलेक्शन लड़ते तो वह बुरी तरह हार दे ऐतकी राजपुरे तो नहीं लड़ रहे इस बार इलेक्शन? देखो ये तो प्रवीण छाबड़ा जी लड़वाना चाहते हैं, पार्टी ने सर्वे कराया मैडम पार्टी चुनाव जो हार दई बाहर चले गए थे, तो जे उन्होंने परिवार से एलीगेशन लग रहे थे भी वह भी सच्चे हैं, तो उन्होंने लाया तो आशुतोष जोशी चुप करके बिठा दता भी तुम्हें ऐतकी वोटा नहीं पैनिया जिन्नी पिछले पैया वो अद्धिया वोटा भी नहीं तुम्हें पैनिया। की कहना चाहोगे? इस तरह भी होंगे थोड़ी पार्टी इस तरह लोगों ने वध चढ़ के आम आदमी पार्टी को पहला वोटा पाइया से आशुतोष जोशी दूसरे नंबर से उरे राजपुरे के आए थे, सरदार हरजीत सिंह गरेवाल भी पिछे रह गए थे, जगदीश कुमार जग्गा जी भी पिछे रह गए थे, सरदार हरदयाल सिंह कंबो तो बाद आशुतोष जोशी पिछे आए थे। उस तो बाद शहर के भी देखे ही है क्या होया, क्या आशुतोष जोशी नहीं चाहिए सगा भी शहर के मसले चकते हो, शहर के मसले तुम टाइम टाइम से मसले चके हैं शहर के तुम्हें अज हलका इंचार्ज बनाया गया? मैडम ये सारी गल्ला तुहाडी पार्टी के देखी जाती हैं या सीधा वही जी एलीगेशन पैसे लैके टिकट देने वाली गल है? कोड ऑफ कंटेंप्ट लग जाता है, इलेक्शन की तैयारी हो जाती है, बिगल बज जाता है, तो कुछ ऐसे जे लोग भी होंगे जिहड़े कि स्ट्रोंग कैंडीडेट नाल घूम रहे होंगे सरकार नाल घूम रहे होंगे, वो एट ए टाइम से आके तुहाडी पार्टी के नाल आम आदमी पार्टी रल जाते हैं, तो वो कभी ना कभी तो जे उस तो बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता तो उन्होंने सब तो ज़्यादा खतरा होंगे, जे तुसीं उह शहर छड़ के भजोगे तो मैडम उन्हों का की होएगा? उही लोग सवाल पूछना चाहते हैं भी साढ़े नाल ऐतकी तो इस तरह नहीं होएगा क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सवाल पूछना चाहते हैं कि तो मैडम तो नहीं आशुतोष जोशी वगर शहर छड़ के भजेगी? एक चीज़ का होर जवाब दे दो, अज आप गल ही कर रहे तो खुल के करा कि मैडम जी है हरदयाल सिंह कंबोज की प्लैंड की हुई है उरे, इस चीज़ कितनी सच्चाई? नीना मित्तल बंद कमर च फैसला नहीं कर सकती, नीना मित्तल बिकाऊ नहीं है, नीना मित्तल का मुल कोई नहीं ला सकता, लोगों की आवाज है, लोगों के नाल ही खड़ी है। मैडम पिछले दिनों के ना एक होटल की भी गल उड़ी सी भी नंबर भी दस्या गया कमरे का, शायद मैडम ना उस तो बाद उस होटल ही जाना बंद करता भी कितने लोग ये ना एलीगेशन लाना शुरू कर देन भी जे मैं उस होटल ही जाती हाँ तो मेरे तो एलीगेशन लगेगा भी ये सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का होटल है या उन्होंने किसी अच्छे मित्र का होटल है, उरे जेड़ा बंदा जाता उत्ते एलीगेशन लग जाता भी सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की मीटिंग उरे हुई है। मैं लगता तुम शायद उस होटल ही जाते नहीं, कहना चाहोगे?
मैं हाँ संदीप चौधरी, मैं थोड़ा स्वागत करता न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। पूरे पंजाब दे विच हर पार्टी जिहड़ी है अपने उम्मीदवार ऐलानन लगी हुई है, तो उम्मीदवार जिहड़ा है डायरैक्ट नहीं ऐलाना जा रहा, लेकिन किते ना किते हलका इंचार्ज बनाने की होड़ लगी हुई है। तो हर उम्मीदवार चाहता है कि मैनू हलका इंचार्ज लाया जाए तो कि शहर दे विच एक मैसेज जाए कि टिकट जिहड़ी है आने वाले दिनों दे विच हलका इंचार्ज तो उसी उम्मीदवार नू मिलेगी। कुछ दिन पहला आम आदमी पार्टी दी सीनियर लीडर मैडम नीना मित्तल दा एक इंटरव्यू न्यूज़ 18 पंजाब वालों किया गया सी, ते उत्थे सूत्रां तो जानकारी मिली दी गल कह के मैडम नू ए दस्या गया सी कि मैडम जिहड़े हैं हलका इंचार्ज ऐलाने जाणगे 2 तो 3 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन मैडम ने किते गोलमोल जवाब देंदे हुए साडी गल नू जिहड़ा है इग्नोर करता सी, ते मैडम नू 2 दिनों बाद हलका इंचार्ज बनाया गया सीगा। जिवें कि आपां नू पता ही है कि शहर राजपुरा दे विच उम्मीदवारां दी गिनती लगातार जिहड़ी है वध रही है। अकाली दल तो चरणजीत सिंह बराड़ नू हलका इंचार्ज बनाया गया, वो अपनी टिकट जिहड़ी है फाइनल दस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सरदार हरदयाल सिंह कंबोह ते जगदीश कुमार जग्गा दे विच जद्दोजहद दा सिलसिला जारी है टिकट नू लैके। बीजेपी की गल करिए तो बीजेपी दे विच इक्को ही उम्मीदवार सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जो पहला उम्मीदवार सीगे उही इस बार आशंका जताई जा रही है कि उही उम्मीदवार होणगे। तो आम आदमी पार्टी की जिहड़ी टिकट है वह किते ना किते नीना मित्तल मैडम के खाते च जांदी साफ नज़र आ रही है, क्योंकि एक दिन पहला आम आदमी पार्टी वालों लिस्ट जारी की जाती है कि हलका इंचार्ज जिहड़ा है मैडम नीना मित्तल नू बना दिता गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों किते ना किते ये भी कहा गया सी वी जिन्हों हलका इंचार्ज बनाया जाएगा उसी नू जिहड़ा है टिकट दे के उम्मीदवार ऐलाना जाएगा। साडे नाल मौजूद है मैडम नीना मित्तल, कई सवाल पूछांगे उन्हां तों, उम्मीदवार बहुत हैं, शर्तां लाई जा रही हैं टिकट दीआं हुण वी, ते मैडम नाल आपां गलबात करांगे, कई सवाल इन्हां तों पूछांगे, मैडम नाल गल कराने तुहाडी। मैडम तुहाडा न्यूज़ 89 च मैं एक बार फिर तो स्वागत करदा। मैडम मैं तो मुबारकां तुहानूं पहले ही दे चुकिआं ते मैं तुहानूं फिर एक बार फिर मुबारकां दिंदा कि मैनूं इह लगदा कि एक टिकट तां राजपुर दी क्लीयर हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी दी तुहानूं मिलेगी, की कहना चाहोगे मैडम? देखो आम आदमी पार्टी ने मैनू अज मेरी मेहनत नू देखदे हलका इंचार्ज लाया, तो मैं हलका इंचार्ज की जिम्मेवारी निभाते हुए इत्थे वर्क करना है और वह वर्क करांगे और पार्टी जो भी अगे फैसला करेगी वह सिर मत्थे है। तो मैडम सब तो वड्डी गल है कि पूरे एक संगठन नू पूरे अपने मैंबर नू पूरे जिहड़े वर्कर है उन्होंने एक स्टेज पर लियाना बड़ा औखा है। किते ना किते आशुतोष जोशी जो कि पिछले दिनों दे विच उम्मीदवार बनाए गए सी उन्हां दा विरोध कीता सीगा, अज मैनूं ऐ महसूस हो रहा इस चीज़ नूं लोकी जिहड़ी चर्चा हैगा बाजार दे विच गर्म है कि आशुतोष जोशी टिकट दे इंट्रस्टिड नहीं है लैण नूं, लेकिन किते ना किते मैडम दीआं जड़ां दे विच बैठण वास्ते आशुतोष जोशी जिहड़े हैं वापस आ चुके हैं, तो हल्लाशेरी जिहड़ी है पूरी प्रवीण छाबड़ा जी नूं दित्ती जा रही है, की कहना चाहोगे? देखो मैनू नहीं पता भी उन्होंने हल्लाशेरी दी है या नहीं दी। प्रवीण छाबड़ा जी ने थोड़े दिन पहला पार्टी ज्वाइन की है, असी पार्टी वालों उन्हों का वेलकम किया है, बाकी कोई किसी दड़ा च नहीं बैठ सकता, जिन्हों जनता का बहुत व्डा फैसला होंद। आशुतोष जोशी भी कोई साढ़े दुश्मन नहीं है, साढ़े भरा है, पार्टी के साढ़े मैंबर ने, तो जो जनता का फैसला है ये तो जनता ने करना है, जिदे सिर पर ताज रखना है वो जनता ने करना है, कोई एक परसन नाल नहीं ये फैसले आ सकते। मैडम मीटिंग आशुतोष जोशी जी हैं लगातार प्रवीण छाबड़े दियाँ करा रहे हैं, पिछले दिनों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सरेआम उन्होंने कहा कि नीना मित्तल तो जिहड़े हावी उम्मीदवार हैं वड्डे उम्मीदवार हैं वो कितना कितने प्रवीण छाबड़ा है। मैडम तुहानूं नहीं लगता कि सरेआम तुहाडी खिलाफत की जा रही है? नहीं देखो ये तो पार्टी ने देखना है कि वह नीना मित्तल तो हावी कौन है या नीना मित्तल का की रुतबा है, वह पार्टी ने देखना है, ये तो उन्होंने विचार है, उन्होंने किस सोच के किस गल वास्ते ये गल कही है तो यह जवाब बेहतर वही दे सकते हैं। मैडम वो उम्मीदवार रह चुके हैं एक बार, आशुतोष जोशी उम्मीदवार रह चुके हैं एक बार, उन्होंने भी पता है कि जे जो भी पॉलिसियां होती हैं आम आदमी पार्टी दी चाहे किसी भी पार्टी दी चंगी तरह इस चीज़ को समझते हैं, तो उन्होंने भी यह पता होना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों ऐलान किया गया सी जो लिस्ट जारी होएगी हलका इंचार्ज की तो उन्होंने ही टिकट मिलेगी, जब उन्होंने पता है कि हलका इंचार्ज मैडम को बना दिया गया वो हूँ भी जड़िया लगातार प्रवीण छाबड़े के हक के मीटिंग करा रहे हैं, तो कितने ना कितने आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों सब तो वड्डी परेशानी जी आशुतोष जोशी खड़ा करेगा तुहाडे
नहीं मैनू नहीं लगता जो परसों का हल्का इंचार्ज अनाउंस किया तो कल तो कोई राजपुरे मीटिंग नहीं हुई उस तो बाद तो कोई मीटिंग नहीं हुई हाँ पहला मीटिंग हुई ने वह होंदिया रही पार्टी की बेहतरी ले मीटिंग हो रही ने लोगों को जोड़िया जा रहा है पर कल तो बाद मेरी नज़र से ऐसी कोई गल नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो प्रवीण छाबड़ा अपने आपू आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कहता है कितने ना कि मंच के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस ये कहना कि नीना मित्तल तो ज़्यादा जोड़े हैं उम्मीदवार प्रवीण छाबड़ा ठीक है क्योंकि वह बरादरी के बंदे हैं मतलब तुहानू नहीं लगता कि तुहाडी सरेआम खिलाफत की जा रही है आशुतोष जोशी वालों किस तरह मैडम जे तुहाडी पार्टी के बंदे तुहाडी खिलाफत करनगे तो तुसीं दूसरे बंदे नूं की मुकाबला दे सकदे हो आने वाले दिनों विच नहीं ये तो देखो आश मैं तुहानूं पहलां भी कहा भी आशुतोष जी दस सकदे आ वो ये क्यों कह रहे हैं जिहड़ी आपां एक बरादरी की गल करदे आ आम आदमी पार्टी लई सारियां बरादरियां सन्मानित है और कदे भी कोई एक बरादरी का फैसला नहीं हुंदा ये सारे लोग मिलके ही MLA चुनदे ने जां जो भी सारे लोगों का ही फैसला हुंदा तो इस करके मैनू नहीं लग रहा भी ये कोई इदा की गल है हाँ जी आशुतोष जी ये कह रहे हैं भी वो मेरे हावी ने या किमें है ये उन्होंने थिंकिंग है ये बेहतर जवाब थानू उही दे सकते हैं तो मैडम गल जे करिए प्रवीण छाबड़े की प्रवीण छाबड़ा की कितने ना कि सोच के आए हैं कि टिकट मिलेगी कितने ना कि कोई गलबात हुई होनी उत्थे पैसे की भी काफ़ी चर्चा चली है प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इस चीज़ में बड़ा झूठ का पलंदा दसिया भी इस तरह नहीं हो सकता लेकिन प्रवीण छाबड़ा जी भी कितने ना कि हूँ भी लखां दी शर्तां लग रही हैं जो साडे सूत्र दस रहे हैं भी मैडम नूं हल्का इंचार्ज बनाया जां टिकट मैडम नूं मिलेगी ना फिर देखांगे कि तुहानूं लगता है कि प्रवीण छाबड़ा जी भी तुहाडी आने वाले दिनों दे विच मदद करनगे जे तुहानूं टिकट मिल गई तां देखो आम आदमी पार्टी का मैं थोड़ी एक गल बिल्कुल क्लीयर कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी हल्का इंचार्ज जिन्हों ला रही है वो अपने मेहनती वर्करा ला रही है वो अपने आप में कोई नवा बंदा आके टिकट का दावेदार कह रहा है या क्यों कह रहा है मैनू नहीं पता ज लखा करोड़ों दरत लग रही हैं बिल्कुल थोड़ा मैं क्लीयर एक गल कह रही हूँ कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा पंजाब देख रहे हैं उन्हों की देख रेख में काम हो रहा है बिल्कुल यह गलत है कि कोई पैसे दिया गल् हो रही ने मैं जो हूँ मेरी इंटरव्यू हुई सी अरविंद जी ने मैं स्पैशल एक गल कही सी कि अगर कोई कहता है कि मैं पैसे दे के टिकट लियाऊंगा ज मेरी पैसे नाल गल है पकड़ के उन्होंने मेरे को लैके आओ यह जी बिल्कुल गल नहीं हाँ अफवाहों लोग फैलाते होंगे ने फैला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग है जो दूजिया पार्टियां चाहते वो आपके पार्टी सिस्टम समझते हैं हरेक पार्टी का तो पर आम आदमी पार्टी का सिस्टम बहुत अलग है उत्थे वर्करा की मेहनत देखी जाती है मैडम जेडे प्रवीण छाबड़ा के नाल हूँ भी जेडे बंदे मीटिंगा दे विच नज़र आ रहे हैं वो कितने ना कितने BJP के किसानों वाले मुद्दे जब हूँ पिछे जो हो उत्थे भी नज़र आए हैं उही जॉइनिंग के टाइम बंदे उत्थे मौजूद सी ते BJP के उत्थे भी मौजूद है मैडम तुहानू नहीं लगता कि कितने ना कितने प्रवीण छाबड़ा जी किसी BJP नाल अंदरूनी गठबंधन करके चल रहे हैं जो उन्होंने टिकट ना मिली तो दोबारा जिहड़ा है BJP का रस्ता उन्होंने वास्ते खुलिया रहे देखो ये मेरे को भी परसों काफ़ी फोन आए थे कि जेडे लोग जो प्रवीण छाबड़ा जी की ज्वाइनिंग हुई सी उदों नाल गए सी अज जो BJP के अटैक हुए है शांति जी सपरा जी से तो वह अगे अगे भज रहे थे कई फोन आए थे पर यदि बेहतरी गल जा तो देखो हूँ पार्टी साड़ी आम आदमी पार्टी बहुत समझदार है बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट लोग बैठे ने यह सारी गल कढ़ रहे हैं भी की गल है ये क्यों किस कारण है कि उही बंदे BJP घूम रहे हैं उही इधर घूम रहे हैं तो ये बेहतर प्रवीण छाबड़ा जी दस सकते हैं कि उन्होंने अंदर की है वह दोबारा BJP जाएंगे या BJP नाल गठबंधन करके वो आम आदमी पार्टी क्यों आए हैं मैडम पहले दिन तो जिस दिन तो प्रवीण छाबड़ा की ज्वाइनिंग हुई है ना उस दिन तो मैंने तो ये तो लोगों को ड्रामा जहा ही लग रहा भी प्रवीण छाबड़े ना उरे सिर्फ एक तरह का आम आदमी पार्टी से ना फसाण करके लेके आया भी तीजा विकल्प भी कितने ना कि आ सकता है आने वाले दिनों में जो लोग गल कह रहे हैं भी प्रवीण छाबड़े को पहला मैडम तो सरोपा पवाता क्योंकि कितना कितने बरादरी की गल होंगी है उरे भी बरादरी के जो दो बंदे लड़न सीधा सीधा हरदयाल सिंह कंबोज में इस चीज़ का फायदा जाएगा भी पहला प्रवीण छाबड़े को लिया और प्रवीण छाबड़े को जिस तरह लिया गया तुहानू पता ही है तुहाडे तो उन्होंने गले च पवाता पार्टी का जो सरोपा हुंदा उस तो बाद कोई वड्डा ज़्यादा वड्डा लीडर उत्थे मौजूद नहीं सी जबकि केजरीवाल साहब नू आना चाहिए सी क्योंकि दो बारी प्रधान रह चुके हैं वो या कोई वड्डे चेहरे नू आना चाहिए ना तुहाडे भगवंत मान जी उत्थे मौजूद सी ना तुहाडे जरनैल सिंह जी उत्थे मौजूद सीगे प्रवीण छाबड़े नू तां इस तरह लिया गया भी इन्हां नू विच किते फसा देंगे लिया के ते उपरों किसी तीजे विकल्प नू लिया के बिठावांगे की कहना चाहोगे मैडम देखो जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो वी अरविंद जी नू आना चाहिंदा सीगा मैनू नहीं लगता कि भी प्रवीण छाबड़ा जी कमेटी के प्रधान रहे ने साडे लई रिस्पैक्टेड ने पर कि उन्होंने एड्डा वड्डा रुतबा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइन करवाने आते साडे यूथ के प्रधान और साडे बरनाला के MLA मीत हेयर जी सीगे साडे जनरल सैकटरी सी एज ए खजानची मैं सी तो इस हिसाब नाल तो मैं नहीं लगता कि अरविंद जी नू उन्होंने ज्वाइन करवाना आना चाहिए मैडम मैनू तो ए लगता है भी प्रवीण छाबड़े नू जब ज्वाइन कराया गया ना मैडम
पार्टी चाहती नहीं सी प्रवीण छाबड़े को असी ज्वाइन कराइए कि उत्थे भी आशुतोष जोशी अड़िया आके भी प्रवीण छाबड़े को अपन ज्वाइन कराना चाहिए। मैडम इस कि सच्चाई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जे पार्टी ने किसी इंसान वास्ते सोच लिया भी असी नहीं ज्वाइन कराना तो पार्टी को कोई इदा कंपेल नहीं कर सकता। तो पार्टी ने जिमें पहला गल् चल रही सी प्रवीण छाबड़ा जी आ रहे हैं और इन्होंने कहा कि मैं एज ए वर्कर काम करूँगा तो एज ए वर्कर उन्होंने लिता है। ये हूँ अगे उन्होंने सोच है भी वह की सोच रहे हैं। पार्टी हर आपके वर्कर का वेलकम करती है और उस तरह की तुम्हें लगता कि हलका इंचार्ज बनन तो बाद कई लोग इस टाइम बुरी तरह भखे हुए हैं, बुरी तरह सड़े हुए हैं तुहाडी पार्टी के विच। कई लोग तो पार्टी छड्डन भी तैयार बैठे हैं। हुण भी पैराशूट तो कोई बंदा लिया के उरे बनाया गया हलका इंचार्ज? नहीं ऐसा साडे कोले तां हाले तक कोई मैसेज नहीं आया कि कोई लोग नाराज है। मेरी बल्कि सब नाल गल हो रही है। मेरे सूत्र बड़े बड़े जबरदस्त है। मैं तुहानूं पहलां भी हलका इंचार्ज की पहला मुबारक दे चुका अज तो 10 दिन पहला। मैं हुण भी तुहानूं दस रहा कि कई षडयंत्र रचे जा रहे आम आदमी पार्टी के विच। की कहना चाहोगे जे इहो जी कोई गल सामने आती है तो किस तरह तुसीं पार्टी विच देखोगे? नहीं जे कोई गल इदां दी समझ सामने आऊगी तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर असीं उहनूं हैंडल करांगे। पर मेरे मैनू नहीं लगता कि कुछ लोग रिजाइन करनगे पार्टी च। सारे लोग मैं तो यही गल कहूँगी कि सारे लोग असी बड़ी जल्दी अगे आव कट्ठे होवांगे एक प्लेटफॉर्म पर आवांगे। जिमें कि तुसी कहा भी हरदयाल सिंह कंबोज जी नूं हराने लई जगदीश जग्गा जी जां होर, मैं सारे राजपुरा वासियां नूं भरावां नूं इक्को ही बेनती करूँगी कि जे किसी की कोई लड़ाई है या मतभेद ने वो मतभेदां नूं असी हटा के एक साइड पर रख के अज असी कट्ठे हो के आपां इक जिहड़ी जो राजपुरा विच अज हो रहा जां जो राजपुरा विच भ्रिष्टाचार जां कांग्रेस की सरकार च जिहड़ा हो रहा है जां जिहड़ा जिवें आम नारा है कि राज हरदयाल भजाओ राजपुरा बचाओ, तो उस लई सानूं इक मंच ते इकट्ठे होना चाहिए। आपस दीआं लड़ाइयां असीं बाद विच कर लांगे, आपस च वंडियां बाद च पा लांगे, पहलां सरकार तां बना लो। तुसीं कहना ये चाहते हो कि सारी पार्टियां दा इक्को ही नारा है भी सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नूर तो चलता करिए? देखो जो राजपुरे विच अज दा अज माहौल बनया हुआ है उस दे हिसाब नाल तां सारे लोग हर पार्टियां की एक एक राजपुरे दा वासी यही चाह रहा है भी एक्टिवर कांग्रेस सरकार तो खड़ा छुड़ाया जाए तो आम आदमी पार्टी लियांदी जाए, क्योंकि जो दिल्ली विच अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं उन्हां कम्मां दे आधार ते ही लोग चाहते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी नूं जरूर देना चाहिए। चलो मैडम मैं ना मैं तुहानूं जद खबर शुरू की है ना मैं कई उम्मीदवारों के नाम दस्सिया तुहानूं सरदार हरजीत सिंह गरेवाल, चरणजीत सिंह बराड़ की टिकट लगभग मैं लगता फाइनल है जिमें तुहाडी फाइनल लगती है मैनू जिमें तुहानू हलका इंचार्ज बनाया उन्होंने भी बनाता तो हरदयाल सिंह कंबोज तो जगदीश कुमार जग्गा के मुकाबला देखो हूँ किसू टिकट मिलती है। मैडम मुकाबला किदे नाल होएगा तुहाडा? तुसी कांग्रेस पार्टी किदे नाल चाहते हो मुकाबला मेरा उहदे नाल होवे जगदीश कुमार जग्गा नाल होवे या सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नाल होवे या तुहाडा मुकाबला चरणजीत सिंह बराड़ नाल होएगा या तुहाडा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार जिहड़े सरदार हरजीत सिंह गरेवाल हो सकते हैं उन्हां नाल होएगा? देखो जो बीजेपी के उम्मीदवार की आप गल करिए तुहाडे सामने है कि बीजेपी को तो लोग पिंडां च ही नहीं बढ़न दिंदे तो उन्हां नूं तो असीं किसी गिनती च नहीं समझते। अकाली दल की गल करिए अकाली दल ने जदों दीआं बेअदबियां कराई हैं असीं पिंडां विच जाने जो बड़े पुराने बजुर्ग जिहड़े कि शुरू तो अकाली दल नाल है वो इक्को ही गल कहिंदे आ कि जिहड़ी अकाली दल ने साडे पंथ की रक्षा नहीं की असीं अकाली दल नूं वोटां नहीं पाउणियां। तो इट मीनस अकाली दल भी किसी गिनती नहीं है। अज जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो मुकाबला तो इन्होंने ही है। मतलब तुसी कह सकते हो भी सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नाल तुहाडा मुकाबला? हाँ जो कांग्रेस उम्मीदवार देगी साडा मुकाबला उन्हां नाल ही होगा। जे जे जगदीश कुमार जग्गा जी नूं टिकट मिल जाती है फिर ओ असी उन्हां नूं एक कांग्रेस दे उम्मीदवार दे तौर ते असी उन्हां नाल फाइट करांगे। बिल्कुल लोकां ओ एक कांग्रेस दे उम्मीदवार होणगे ते असी आम लोकां दे उम्मीदवार होवांगे। मैडम मैं तुहानूं तीजा विकल्प की गल कर रहा सीगा आम आदमी पार्टी दे विच भी तीजा विकल्प भी हो सकता है। मैनूं तीजा विकल्प जिहड़े लगदे आ ना जगदीश कुमार जग्गा लगदे जो मेरे सूत्र दस रहे आ भी प्रवीण छाबड़े ते साडे बिरादरी दे लोग ये चाहते सी कि प्रवीण छाबड़े ते जगदीश कुमार जग्गा जो एक बंदा लड़े। तुहानूं लगता कि जगदीश कुमार जग्गा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की इंतजार कर रहे टिकट की जो उन्होंने ना आती है तो उत्थे आम आदमी पार्टी के भी आ सकते हैं? तो तीजा विकल्प कितने ये तो नहीं कि जगदीश कुमार जग्गा आम आदमी पार्टी टिकट दे प्रवीण छाबड़ा लड़ ही ना सके तो बिरादरी की भी जी है सोच जी हैगी भी एक बंदा लड़ना चाहिए की कहना चाहोगे? जे जे तुहानूं ना टिकट मिली कह पावे तुहानूं टिकट ना मिली जे जगदीश कुमार जग्गा जी आम आदमी पार्टी टिकट मिल जाती है तो तुसी पार्टी के नाल चलोगे पार्टी की उन्हां दी मदद करोगे? देखो ये तो पार्टी ने फैसला करना है कि किसनों लैना या किसनों नहीं लैना। जो पार्टी सानू नुमाइंदा दिंदी है जो भी पार्टी दा फैसला हुंदा है साढ़े सिर मत्थे हुंदा है। पर मैं एक गल जरूर कहूँगी कि जेड़ा हुण तुसीं कह रहे हो कि एक बिरादरी, प्लीज़ मैं आम लोगों भी हाथ जोड़ के एक ही बेनती करूँगी कि बिरादरियाँ सारिया बिरादरियाँ सन्मानित होंदियां इन्हों वोटों यूज़ ना किया जाए। बिरादरियों का सन्मान करो पर इन्हों इलैक्शन इलैक्शन स्टंट बना के उन्होंने यूज़ हरेक बिरादरी चाहती है। देखो तुम अग्रवाल सभा तो वह भी यही चाहते हो भी ऐतकी जी है ना साड़ी अग्रवाल सभा तो मैडम को टिकट मिल जाए ना तो स्वाद आ जाए
ठीक है ना। तो हरेक हरेक बंदा ये चाहता, मैं बरादरी का मसला नहीं चक रहा अपनी इंटरव्यू के ना, मैं चकाँगा कभी, क्योंकि वोटों के नाल जितना ना कि बरादरी की वोटों के नाल जितना। मैडम मैं ये चाहना कि बरादरी जी बहलपुर बरादरी है ना, वो ये चाहती है कि साड़ी बरादरी के बंदे टिकट मिले, वह भी आम आदमी पार्टी की टिकट मिले, कि इन्ने इंट्रस्टिंग है कि आम आदमी पार्टी की टिकट जिन्होंने मिलेगी वह बंदा जिहड़ा है कि MLA बनेगा। देखो उही बंदा जिहड़ा हरदयाल सिंह कंबोज नूं हरा सकता है, की कहना चाहोगे मैडम? देखो ये तो हर बिरादरी की इच्छा होंगी है, तुम भी किया अपने क्वेश्चन च, तो वह पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला करूगी वो सब दे सिर मत्थे होएगा। जगदीश कुमार जग्गा बारे की गल करोगे तुम भी, उन्होंने पार्टी थोड़ी आना चाहिए, स्वागत करोगे उन्होंने जो आते हैं? नहीं, ये तो फैसला उन्होंने करना है भी मैं आना है या नहीं आना, जा पार्टी ने करना है, साढ़े भरा है जो उम्मीदवार होंगे हल्का इंचार्ज बन गए, तुम उम्मीदवार भी हो सकते हो आम आदमी पार्टी के, तुम नहीं चाहोगे कि सारा शहर ही थोड़े न लग जाए, एक बार एक लहर चल जाए कि नीना मित्तल नूं ही जिताना है, जे उस वास्ते तुहानूं जगदीश कुमार जग्गे की भी लोड़ पैनी है, उस नाल शायद तुहानूं मेरी भी लोड़ पैनी है, शायद उस नाल तुहानूं किसी भी प्रेस रिपोर्टर की भी लोड़, तुसीं भी चाहोगे कि सारा शहर मेरे नाल लगे, एक भी बंदा मेरे इह जिहा ना होवे जिहड़ा होर पार्टी नाल लगे, चाहे वह कांग्रेस दे चाहे वह जिहदे मर्जी है, की कहना चाहोगे? बिल्कुल, वह तो देखो जे असीं आपां सरकार बनानी है तो सानूं एक एक बंदे की लोड़ है, चाहे जग्गा जी है जां कोई भी साथी है, सब की लोड़ है, तो सारयां नूं ही आना चाहिए, सारयां नूं इकट्ठे ही होना पवेगा तो ही आपां सरकार बना सकते हैं। तो हुण अग्गे दी पॉलिसी की है मैडम, हुण तुसी हल्का इंचार्ज बन गए हो क्योंकि तेजी लैनी पेगी, की कर रहे हो आने? देखो साडा अज तो ही प्रोसैस शुरू हो चुकी है, जिहड़े साडे कुछ साथी नाराज़ है असी उन्हां नूं आपदे नाल लैके चलांगे, उन्हां नूं नाल जा रहे हैं, असी उन्हां नूं मिल रहे हैं, गलबात हो रही है साडी, उन्हां नूं नाल लैके असी पिंड पिंड वार्ड वार्ड जावांगे, साडा नाल नाल जिहड़ा बिजली अंदोलन स्टार्ट हो रहा है, जो साडे माननीय अरविंद केजरीवाल जी गरंटी दे के गए है भी 2 महीनों का जिहड़ा बिल आंदा अपने 2 महीनों में मीनस 600 यूनिट फ्री, 600 यूनिट फ्री के हिसाब नाल 75% लोगों का बिजली का बिल जीरो आऊगा, वह असी घर घर जाके जागरूकता लियानी है लोगों से, वह असी सारे इकट्ठे होकर पिंड पिंड जावांगे और लोगों को जोड़ांगे, जिहड़ियां दूजियां पार्टियां के लोग भी है वह भी बहुत साडे टच च है, बहुत जल्दी असी तुहाडे सामने आएंगे कि काफ़ी लोग राजपुरे विचों आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैडम एक बार फिर मैं आशुतोष जोशी से ही आवांगा कि आशुतोष जोशी को यह पता लग चुका है भी आस्ट्रेलिया तो आए थे, जे वो इलेक्शन लड़ते तो वह बुरी तरह हारते ऐतकी राजपुरे तो नहीं लड़ रहे इस बार इलेक्शन? देखो ये तो प्रवीण छाबड़ा जी लड़वाना चाहते हैं? नहीं, ये कोई एक बंदा नहीं, अज मैं कह दा जी मैं संदीप जी को लड़ाना चाहनी हाँ, मैं कौन हाँ, ये पार्टी का फैसला, पार्टी ने देखना है, जो पार्टी का डिसीजन होंगे तो मे भी हो सकता पार्टी चो उन्हां दी गल ना बनी हो, पार्टी ने देखना है, मेरा पार्टी ने सर्वे कराया मैडम पार्टी चुनाव जरा हार दे बाहर चले गए थे, तो जे उन्होंने परिवार से एलीगेशन लग रहे थे भी वह भी सच्चे हैं, तो उन्होंने लाया तो आशुतोष जोशी चुप करके बिठा दता भी तुम्हें ऐतकी वोटा नहीं पैनिया, जिन्नी पिछले पीछे वो अद्धिया वोटा भी नहीं पैनिया, की कहना चाहोगे? इस तरह भी होंगे तुम्हारी पार्टी? देखो हाँ बिल्कुल, यदा लॉस उन्होंने हो जो बाहर चले गए थे, चलो चाहे वह आपके बिजनेस लिए चले गए, जो इतने रेंदे लोगों में विचर दे अज सीन कुछ होर होना सगा, बट जो हूँ अज मैनू भी हल्का इंचार्ज लगाया गया, चाहे मैं पार्टी का पुराना वर्कर हाँ पार्टी लिए काम कर रही हाँ, एक पूरा सर्वे होया प्रॉपर टैलीफोनिक सर्वे भी होया और पार्ट राजपुरा भी टीम ने घूम के सर्वे किया, उस सर्वे में मेरा नाम अगे आया तो पार्टी ने मैंने इस गलते सम्मानित किया। जिस तरह लोगों ने बद चढ़ के आम आदमी पार्टी पहले वोटा पाइया से, आशुतोष जोशी दूसरे नंबर से उरे राजपुरे के आए थे, सरदार हरजीत सिंह गरेवाल भी पिछे रह गए, जगदीश कुमार जग्गा जी भी पिछे रह गए थे, सरदार हरदयाल सिंह कंबोज तो बाद आशुतोष जोशी पिछे आए थे, उस तो बाद शहर के भी देखे ही है क्या होया, क्या आशुतोष जोशी को नहीं चाहिए सगा भी शहर के मसले चकते हो, शहर के मसले तो टाइम टाइम से मसले चके हैं शहर के, तुम्हें अज हल्का इंचार्ज बनाया गया, मैडम ये सारी गल्लां तुहाडी पार्टी के विच देखिया जांदियां या सीधा वही जिहड़ी एलीगेशन पैसे लैके टिकट देने वाली गल है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, पार्टी में एक एक चीज़ नोट की जाती है, हाँ इन्हों चाहिए सगा जो 26,000 वोटा पईआं सी, कुछ जे मैं अज कह भी जे वोटा पैनगियां तो नीना मित्तल नूं पैनगियां, नीना मित्तल नूं तो 10% पैनगियां, बाकी झाड़ू नूं वोटा पैनगियां, तो 26,000 वोट से आशुतोष के नाम से भी पई पर झाड़ू नूं वोटा लोगों ने पाइया, हाँ जो चले गए वे लोग बड़े नाराज से, असी हूँ भी पिंडां जाने बड़े लोग सानू नाराजगी दिखाते हैं कि जी साडे ते परचे हो गए, असी लोग बड़े परेशान होए तुहाडा कैंडीडेट क्यों नहीं आके खड़ा, असी उस तो बाद भी बहुत थावां ते जाके थाने च गए, पुलिस ने निपटारे किए लोगों के जिहड़े लोगों के झूठे परचे किए, बट मैं यही गल कहूँगी बार बार पार्टी देखती है, एक एक चीज़ वॉच करती है, पार्टी सर्वे के आधार पर ही एक्टिवर सारा काम करती है। क्योंकि मैडम देखो जब कोड ऑफ कंटेंप्ट लग जाता है, इलेक्शन की तैयारी हो जाती है, बिगल बज जाता है, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जेडे कि स्ट्रोंग कैंडीडेट नाल घूम रहे होंगे, सरकार नाल घूम रहे होंगे, एट ए टाइम से आके तुहाडी पार्टी के नाल आम आदमी पार्टी रल जाते हैं, तो वो कभी ना कभी तो जे उस तो बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता तो उन्होंने सब तो ज़्यादा खतरा होंगे, जे तुसी वो शहर छड़ के भज जाओगे तो मैडम उन्हों का की होगा, उही लोग सवाल पूछना चाहते हैं भी साडे नाल ऐतकी तो इस तरह नहीं होएगा क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी सवाल पूछना चाहते हैं कि मैडम तो नहीं आशुतोष जोशी वगर शहर छड़ के भजेगी?
मैं थोड़े माध्यम एक गल कहना चाहनी है, जे नीना मित्तल ने जाना हुंदा ना, नीना मित्तल हरदयाल विरुद्ध जा MLA साहब के विरुद्ध जा मौजूदा सरकार के विरुद्ध इन्ना डट के ना लड़दी, पहले ही मैं सोचती मैं किसी नाल पंगा लैके गल, नीना मित्तल लोगों की लड़ाई लड़ रही है, लोगों की लड़ाई लड़ूंगी। और मैं एक थोड़े माध्यम होर भी कहना चाहनी हाँ, बड़ा पिछे जे नवे लोग आ रहे हैं पार्टी, एक र्यूमर छड्या जा रहा है कि जी मैडम नाल साडा समझौता हो गया, मैडम MLA दे इलैक्शन नहीं लड़नगे, मैडम MP दे इलैक्शन लड़नगे। मैं लोग पब्लिक को एक ही गल कहनी है, नीना मित्तल राजपुरे वासियों की लड़ाई लड़ रही है, आखिरी दम तक लड़ती रहेगी और डट के लड़ती रहेगी। ना मैं डरती हाँ, चाहे परचे हो चाहे कुछ होवे, इत्थे लोक लोई लोगों लिए खड़ी हाँ, तो लोगों के नाल खड़ी रहो। मैडम एक चीज़ का होर जवाब दे दो, अज आप गल ही कर रहे तो खुल के करांगे कि मैडम जी है हरदयाल सिंह कंबोज की प्लैंड की हुई है उरे, इस चीज़ कितनी सच्चाई? मैं जिंदगी अज तक हरदयाल सिंह कंबोज जी एक बार मिली हाँ, MLA के तौर पर मेरे रिस्पैक्टेड ने, साढ़े एक वर्कर धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो थोड़े दिन बाद मैंने रात को कहना मैडम 10 बजे कद 9 बजे थाने आ जाओ, तो उन्होंने लैके मैं असी मैं साढ़े 2-3 साथी असी गए थे भी MLA साहब क्यों ये गंदियां हरकत हो रही ने, लोग कह रहे हैं कि MLA साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने एक ही गल का जवाब दिता कि मेरा इस कोई रोल नहीं, साढ़े वर्कर शायद यूज़ कर रहे। मैं उस तो इलावा ना MLA साहब न मिली हाँ तो ना मैं कदे मिलूंगी। मैं थोड़ा एक गल पहला भी कही है, नीना मित्तल बंद कमर च फैसला नहीं कर सकती, नीना मित्तल बिकाऊ नहीं है, नीना मित्तल का मुल कोई नहीं ला सकता, लोगों की आवाज है, लोगों के नाल ही खड़ी है। मैडम पिछले दिनों में ना एक होटल की भी गल उड़ी सी, नंबर भी दस्या गया कमरे का, शायद मैडम ना उस तो बाद उस होटल ही जाना बंद करता भी, कितने लोग ये ना एलीगेशन लाना शुरू कर देन भी जे मैं उस होटल ही जाती हाँ तो मेरे तो एलीगेशन लगेगा भी ये सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का होटल है या उन्होंने किसी अच्छे मित्र का होटल है, उरे जेड़ा बंदा जाता उत्ते एलीगेशन लग जाता भी सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की मीटिंग उरे हुई है। मैंने लगता तुम शायद उस होटल ही जाते नहीं, की कहना चाहोगे उस? मैं थोड़ा कहने जो तुम मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि थोड़ी हरदयाल सिंह कंबोज जी मीटिंग हुई है, मैं थोड़ी भी कहा होटल च जगह जगह CCTV कैमरे लगे, एक फुटेज मैंने लिया के दिखा दो जो मेरी राजपुरे की जनता। हरदयाल सिंह कंबोज जी ने भी किया भी मेरी कोई फुटेज लिया के दिखा दो जो मेरी मैडम नीना मित्तल के नाल कोई गल हुई। बिल्कुल, की कहना चाहोगे उन लोगों को जो यहाँ अफवाह उड़ाने? लोगों ने बहुत अफवाह उड़ानी है, लोगों का जेडे लोगों का मकसद ही यही है अफवाह उड़ानिया। मैं एक ही गल कहूँगी, सच्चे मन नाल मैं सेवा करन लगी हाँ और करती रहूँगी, ना मैं किसी तो डरन वाली हाँ ना मैं बिकन वाली हाँ। ये लोगों बिल्कुल झूठिया अफवाह है, कोई कहता साड़ी सैटिंग होगी, कोई कहता असी मुल ला लिया, कोई कुछ है, नीना मित्तल ना बिकाऊ है, नीना मित्तल उस परिवार चो है जो लोगों की मदद करने वाले परिवार है, ना कि लोगों दिया गलों में आके जा बिकाऊ जा अंदर बंद कमरे च सौदे करने वाला है, लोगों की लड़ाई लड़नी है। मैं आपके राजपुरा वासियों राजपुरा शहर में जो भी मैं आई हाँ, मैंने राजपुरा शहर ने बहुत प्यार दिता है, मैं एक कर्जदार हाँ शहर की कि मैं इन्ना प्यार दिता है और मैं इस शहर की लड़ाई लड़ती रहांगी और राजपुरा शहर में खुशहाली लिया के ही आखिरी दम लवांगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये सीगे मैडम नीना मित्तल जी हलका इंचार्ज बनाए गए हैं, तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों के मैडम नीना मित्तल ही जड़े हैं शहर के उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी तो, मैं नीना मित्तल किस तो डरती नहीं है, तो बंद कमरिया मीटिंग करना मैं नीना मित्तल नहीं आता। जोड़े लोग यह जी अफवाह उड़ाते हैं उन्होंने जवाब दिता बड़ा कड़ा मैडम नीना मित्तल ने, हूँ आने वाले दिनों दे देखना यह होएगा कि मैडम नीना मित्तल जिन्हें भी कार्यकर्ता जिन्हें भी वर्कर जोड़े हैं आम आदमी पार्टी के नाराज हैं या कुछ हैं उन्होंने मंच से लिया के खड़ा करते हैं या फिर ये नाराजगी जी आने वाले दिनों दे मैडम नीना मित्तल वास्ते गले की हड्डी बन जाएगी। देखना होएगा आने वाले दिनों चुनाव 2022 का नेड़े है कि राजपुरा तो केड़ा बंदा MLA बन के विधानसभा दे विच जांदा है। राजपुरा तो कैमरामैन ललित कुमार दे नाल मीडिया परसन संदीप चौधरी, न्यूज़ 89 पंजाब।